हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे fputs फंक्शन एंड fgets फंक्शन के बारे में। जैसा कि अर्लियर वीडियोस में हमने देखा, fputs फंक्शन को हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग को राइट करने के लिए फाइल पे, एंड fgets फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग को रीड करने के लिए फाइल से। उन्हें हम प्रैक्टिकल पे काम करके देखते हैं कि वो कैसे काम में आएंगे। फर्स्ट जो हम प्रोग्राम देखेंगे, उसके अंदर हम कीबोर्ड से स्ट्रिंग इनपुट देंगे एंड उन्हें राइट करेंगे फाइल पे। fputs फंक्शन जो है वो डिफाइंड है stdio.h में। तो सबसे पहले हमने इंक्लूड कराया stdio.h को, देन हमने मेन फंक्शन हमारा जनरेट किया। मेन फंक्शन आप लोगों को सबको पता है कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए एंट्री पॉइंट होता है, मतलब प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होना रन होना स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, मेन से। नाउ यहाँ पे हमने कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया मेन के अंदर, जिसमें हम वैल्यू इनपुट लेंगे। एक इंटीजर आई वेरिएबल ले लिया, इसमें हम क्या करेंगे, आई का यूज़ करेंगे लूप चलाने के लिए। मल्टीपल टाइम हम लाइंस रीड करेंगे और उन्हें फाइल पे राइट करते रहेंगे। देन हमने एक फाइल पॉइंटर बनाया यहाँ पे, fp मेरा फेवरेट नेम है, बाकी नाम आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। fopen फाइल सपोज मैंने दे दिया data.txt, यू कैन यूज़ एनी नेम, क्योंकि हम राइट मोड में खोलेंगे तो न्यू फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। नाउ वी हैव टेस्टेड fp इक्वल टू नल। If it is null, then हमने यहाँ पे क्या write कर दिया, file opening field cool। And अगर null नहीं आता है, file का address है fp में, तो else part में सबसे पहले हमने एक message print किया, enter text, and then हम लोगों ने एक loop setup किया, i equals to 1 से i less than equal to 4 i++। आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू 4 तक मैंने इसलिए चलाया, दैट मीन्स कि मैं चार लाइन रीड करूंगा एंड उन्हें फाइल पे राइट करूंगा। आप ज़्यादा देना चाहते हैं, यू कैन सेट अप लूप फॉर 1 to 5, 1 to 10 एंड समथिंग एल्स। सो सबसे पहले हमने गेट्स फंक्शन लगाया। गेट्स का हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड से वैल्यू रीड करने के लिए। यहाँ हमने दिया str, जो कि हमारा कैरेक्टर एरे था। नाउ इस str में जो वैल्यू आई, हम उसे कहाँ पर राइट कर रहे हैं, फाइल पे। सो वी यूज fputs एंड str, fp। तो str की वैल्यू कहाँ राइट होती रहेगी, फाइल पे। साथ ही साथ मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही एक लाइन राइट हो उसके बाद लाइन चेंज हो जाए, तो फिर से हमने fputs रिपीट किया एंड \n को भी हमने राइट कर दिया फाइल पे। एंड लूप के अंदर मैं फाइल को क्लोज नहीं करूँगा, क्लोज कर दिया तो सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा वैल्यू राइट नहीं होगी। लूप के बाहर हमने क्लोज कर दिया फाइल को। नाउ इसे सेव करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन, फाइन। नाउ एंटर टेक्स्ट, माय नेम इज तरुण वर्मा, आई लिव इन बीकानेर राजस्थान। टू प्ले चेस my hobby, and I am passionate about programming and teaching. So ये एक brief introduction भी हो गया मेरा, and ये हमने कहाँ पर write कर दिया है, file पे। कैसे देखेंगे वो फाइल पे डेटा राइट हुआ है या नहीं हुआ है, अर्लियर भी मैंने प्रोसीजर बताया है पहले वीडियोस में भी। हमने सिंपल फाइल का नेम दिया था, दैट मीन्स ये उसी डायरेक्टरी में सेव हो रही है जहाँ ये प्रोग्राम है। सिंपली हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, ओपन में गए, data.txt एंड ओपन, ये ग्रेट, ये डेटा हमने इनपुट दिया था कीबोर्ड से, कूल। नाउ ये हमारा था puts का वर्किंग। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम देखते हैं fgets की वर्किंग। fputs की वर्किंग थी ये। fgets किस लिए यूज में आएगा, फाइल से स्ट्रिंग को रीड करके प्रोग्राम में लाने के लिए। सो इसका जस्ट अपोजिट प्रोग्राम बनेगा, एंड इसी को मैं रीयूज कर रहा हूँ वीडियो को शॉर्ट रखने और स्पीड को बूस्ट करने के लिए। हमने इसे कॉपी एंड पेस्ट किया एंड इस फाइल को एक बार क्विक सेव कर देते हैं, फाइल रीड डेटा एंड सी सोर्स फाइल, कूल। नाउ यहाँ पे हमें मोड कौन सा रखना है ओपनिंग का, फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं तो आर मोड,
चेक कर लिया, fp इक्वल टू नल है तो फाइल ओपनिंग फील्ड, एंटर टेक्स्ट का मैसेज हमने जो है यहाँ से हटाया, उसकी जगह हमने मैसेज दे दिया डेटा इन द फाइल इज कुल, आई इक्वल टू वन से आई लेस देन इक्वल टू फोर, चार लाइन से हमें रीड करनी है, हमें पता है हमने प्रीडिटरमाइन कर रखा है। fgets, fgets का सिंटेक्स था सबसे पहले वो कैरेक्टर एरे जिसमें हमें डेटा रीड करना है, देन मैक्सिमम लेंथ, लेंथ मैंने रख दी 99 क्योंकि साइज मैंने 100 ले रखा है str का, तो अगर मैक्सिमम ये कैरेक्टर जो रीड करेगा एक बार वो 99 कैरेक्टर, 100 कैरेक्टर हो जाएगा अपना नल ऑटोमेटिकली, और अगर 99 से कम होता है तो कोई इशू नहीं है, सिंपली वो वैल्यू पुट हो जाएगी str के अंदर। कहाँ से रीड कर रहे हैं? फाइल पॉइंटर से, तो लास्ट में हमने दिया fp। नाउ जो वैल्यू हमने रीड करी उसे हमें कहाँ प्रिंट कराना है? स्क्रीन पर। सो व्हाट आई डू, मैंने यहाँ पे पुट्स का यूज़ किया, पुट्स स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए काम में आता है, एक्सलेशन मैंने हटा दिया उसकी मुझे नीड नहीं है, लास्ट में हमने फाइल को क्लोज कर दिया। तो जब ये लूप चलेगा एक एक करके चारों लाइंस रीड करेगा फाइल से डेटा डॉट टी एक्स टी से, एंड वो राइट हो जाएंगी कहाँ पे? हमारी स्क्रीन पे। एक बार एग्जीक्यूट करके देखें, कूल, ये डेटा था हमारा। तो डेटा फाइल में क्या था? माई नेम इज तरुण वर्मा, देन हमने बैकस्लेशन दिया था, बैकस्लेशन एक्स्ट्रा प्रिंट हो रहा है। क्यों एक्स्ट्रा क्यों प्रिंट हो रहा है? What is the reason? क्योंकि वहां फाइल में तो हमने एक ही बैकस्लेशन दिया है तो उससे लाइन चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन पुट एस इटसेल्फ क्या करता है, जब स्ट्रिंग को प्रिंट कराता है उसके बाद में ऑटोमेटिकली लाइन चेंज कर देता है, इसलिए एक ब्लैंक लाइन भी प्लेस हो रही है। ठीक है, इसी को अगर हम प्रिंट एफ का यूज करके प्रिंट कराएंगे तो ब्लैंक लाइन जो है वो हमारी प्रिंट नहीं होगी। जैसे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैंने यूज किया प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ जो है परसेंट एस लेता है प्रिंट कराने के लिए स्ट्रिंग, एंड ऑटोमेटिकली लाइन चेंज नहीं करता। नाउ सी द आउटपुट, कूल, जो एक ब्लैंक लाइन आ रही थी वो गायब हो गई। क्यों? क्योंकि परसेंट एस से जब प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट करा रहे हैं ऑटोमेटिकली लाइन चेंज नहीं होती है, जबकि पुट एस फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली लाइन को चेंज कर देता है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आप लोगों को इजी लगी होगी, प्रोग्राम आराम से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।